हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ कि यदि आपको हड्डियों का कैंसर होता है तो फिर इससे आपके शरीर में क्या क्या शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, कैंसर की शुरुआत शरीर की आधारभूत इकाई यानी कि कोशिकाओं में बदलाव के कारण होती है। शरीर में पुरानी कोशिकाओं का टूटना और नई कोशिकाओं का बनना एक बहुत ही सतत लगातार प्रक्रिया होती है जो कि रेगुलर चलती रहती है। लेकिन जब कोशिकाओं का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह असामान्य हो जाती है तो ऐसे में कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह कैंसर जो होता है वह होता है हड्डियों का कैंसर। हालांकि अभी तक हड्डियों के कैंसर का जो एग्जैक्ट कारण होता है इसका पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन इसे फिर भी अनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कारणों से जोड़कर देखा जाता है। हड्डियों के कैंसर से शरीर पर एक हिस्से से शुरू होता है जो कि शरीर के दूसरे भागों तक पहुंच जाता है। इसके कुछ और लक्षण होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हड्डियों का कैंसर किसी भी उम्र में लोगों को, मसलन बुढ़ापे, बच्चे या किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, या यूथ को भी हो सकता है, किसी को भी समय रहते यदि इसका सही तरीके से इलाज करा लिया जाता है तो इससे काफ़ी राहत मिल जाती है व्यक्ति को और उसे स्वस्थ होने में समय मिल जाता है और वह जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो मैं कुछ सामान्य से जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे कि हड्डियों के कैंसर का सबसे सामान्य लक्षण होता है वह होता है हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होना। यदि आपको हड्डियों में तेज़ दर्द होता है और यह सही तरीके से ठीक नहीं हो रहा है तो यह एक लक्षण होता है कि आपको हड्डियों का कैंसर हो। दूसरा जो लक्षण होता है वह होता है दर्द के साथ उस हिस्से में सूजन आ जाना। यदि आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है और वहाँ पर सूजन जो है वह बनी रहती है तो इससे यह एक लक्षण होता है कि आपको हड्डियों का कैंसर हो। इसके साथ ही दर्द में वक्त के साथ यह दर्द जो होता है वह बढ़ता जाता है या कम नहीं होता है। इसके अलावा कैंसर के स्थान के ऊपरी हिस्से में त्वचा का लाल रंग का होना, वह हिस्सा जो होता है शरीर के किसी अन्य हिस्से की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है और उस हिस्से में थोड़ा सुन्नपन और सूजन भी रहती है। जो बोन ट्यूमर होता है यानी कि जो हड्डियों का कैंसर होता है इसकी वजह से अचानक बुखार आ जाता है, वह बुखार के दौरान पसीना भी आ सकता है, चक्कर आना, भूख कम लगना और वजन में तेज़ी से गिरावट होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। वयस्कों में हड्डियों के कैंसर का पता तब चलता है जब मरीज को बार बार हड्डियों के फ्रैक्चर होने की शिकायत होने लगती है। हड्डियों का कमज़ोर होना बोन कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। यदि आपकी हड्डियां कमज़ोर है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बोन कैंसर हो, ऐसा शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण होता है, बोन डेंसिटी टेस्ट करवाकर आप इस तरह के वहम से बच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी हड्डियों का कैंसर है, यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से चेकअप कराएं तो इस तरह से आप बच पाएंगे हड्डियों के कैंसर से। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जो कि हड्डियों के कैंसर के होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।